वहीं पानीपत दिल्ली के बीच सड़क के 8 लाइन का काम महीनों से बंद पड़ा है, जिसके चलते हाईवे पर रोजाना हादसे बढ़ रहे हैं। अब सर्दी बढ़ने और कोहरे की शुरुआत होने की वजह से ये हाईवे जानलेवा साबित हो रहा है। हाईवे के दोनों ओर हजारों ग्रामीण रहते हैं, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। पानीपत दिल्ली के बीच बन रही 8 लेनिंग सड़क का काम महीनों से बंद पड़ा होने से हादसों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि सर्दी और कोहरे ने इस खतरे को बढ़ा दिया है। दिल्ली अंबाला चंडीगढ़ हाईवे पर बीच सड़क के अधूरे पुल और मिट्टी के ढेर हादसों को न्योता दे रहे हैं। यही वजह है कि हाईवे के दोनों ओर घरों और रोजाना खेत में आने जाने वाले ग्रामीणों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। साल भर हो गए जी, अरे काम नहीं चल रहा जी। पुल के पास से खड़ा ऐसा है, आदमी उसमें मर रहा है। रोज एक्सीडेंट हुआ जी। कहीं पर थैली है, पुल की कह रखे है पुल बना दो, पुल नहीं बना रहे यहाँ से। गौरतलब है कि दिल्ली पानीपत के बीच सड़क की 8 लेनिंग का काम अपने तय समय से काफी पीछे चल रहा है। करीब 3,000 करोड़ की लागत से बनने वाली इस सड़क के अधूरा होने और मुरथल में 2 साल से टोल वसूलने से ये दोहरी परेशानी रोजाना हजारों लोगों पर भारी पड़ रही है। पूरी सड़क को खोद के डाल दिया, सड़क के बीचों बीच में गड्ढे कर दिए, बड़े बड़े पत्थर रख दिए, लोग उनमें गाड़ियां मोटरसाइकिलें ट्रक गिरते हैं, रात को टकराते हैं और लोगों को हर आप 2-4 किलोमीटर के बाद एक एक्सीडेंट देख लो, रोज का एक काम है। कोहरा, अभी सर्दी शुरू हो गई है, कोहरा पड़ने लग गया, इससे रोजाना इसके क्रॉस करने के लिए एक्सीडेंट हो रहे हैं। कोई इनको यहाँ पर जो चिन्ह लगाए जाते हैं ना, वो लगाए गए हैं ना पट्टियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर रोजाना के रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, पत्थरों से टकराती हैं गाड़ियाँ। एक पुल बना हुआ है, अभी तक उसका पूरा काम नहीं हुआ, उसमें गाड़ियाँ गिर रही हैं रोजाना, हर दूसरे तीसरे दिन उसमें गाड़ियां गिर जाती हैं। इस 8 लेनिंग सड़क का करीब 1/3 काम अधूरा रहने से पानीपत दिल्ली के बीच 1.5 घंटे के सफर में कई बार 2.5 घंटे लगने से यात्री झुंझलाट में भी दिखाई देते हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री के सामने भी ये मामला उठाया गया, पर अभी तक कोई हलचल न दिखने से लगता है दिल्ली अभी बहुत दूर है। पानीपत सोनीपत को देश की राजधानी दिल्ली का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस प्रवेश द्वार पर पानीपत से दिल्ली तक 8 लेनिंग का काम पिछले 10 महीने से रुका हुआ है, जिस कारण रोजाना हादसे हो रहे हैं। अब चूंकि कोहरे का मौसम शुरू हो गया है, सर्दी बढ़ गई है, हादसों के बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है। कुछ करो सरकार। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज पानीपत।